गुड इवनिंग, आशा करता हूँ कि आपका संडे आज का अच्छा गया होगा। मैं इस वीडियो पर्टिकुलरली इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि जो यंग सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वो शेयर बाज़ार के साथ जुड़े रहें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में गोल्ड और सिल्वर में भी छोटा छोटा सा भी सही इन्वेस्टमेंट करते रहें। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि शेयर बाज़ार के पीछे हम जब लगते हैं तो हम दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमें सब में ऐसा लगता है कि ये पैसा यहाँ पड़ा है, उधर उसमें 5% की सिंपल ब्याज मिल रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम शेयर ले लें, हम IPO में इन्वेस्ट करें। तो गोल्ड सिल्वर से ऐसे जो यंग सब्सक्राइबर है उसका ध्यान भटक जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप शेयर बाज़ार में प्रॉफिट करते हैं तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, और अगर नहीं करते हैं तो भी अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अवश्य गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 1964 में गोल्ड का भाव भारत में सिर्फ 63 रुपीस पर 10 ग्राम था। जस्ट इमेजिन, कई सारे मेरे सब्सक्राइबर उस वक्त मैं जानता हूँ, कोई 5 साल का हो सकता है, कोई 2 साल का हो सकता है, मैं ये यंग सब्सक्राइब कर की बात कर रहा हूँ, तो कोई 10 साल का हो सकता है। तो ये तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अगर उसके वडिलों ने उस वक्त गोल्ड लिया होता अपने जनरेशन के लिए, कई सारे लोग ने लिया है, ऐसा नहीं है, तो कंपेयर करिए कि 64 में 63 रुपीस पर 10 ग्राम, 66 में 83 रुपीस पर 10 ग्राम, फिर 1967 to 1971 उसका भाव 102 रुपया और 193 रुपीस पर 10 ग्राम का ही था। फिर वो 1980 में 1000 की टेरिटरी में आया गोल्ड, और गोल्ड का दाम हुआ 10 ग्राम का 1390 रुपये। आप सोचिए, इसके बाद 1996 में उसने 5000 का स्तर छुआ गोल्ड पर 10 ग्राम, 5100 रुपीस भाव चल रहे थे 1996 में। इसके बाद 2002 में वो थोड़ा सा गिरा और वो 4000 के टेरिटरी में फिर से आ गया, लेकिन 2003 से लेके उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखिए, 2003 में 5600, 2007 में 10800, 2017 में 30,000 और 2021 में 48,000 पर 10 ग्राम, 2022-23 में 65,000 पर 10 ग्राम और अब करीब 80,000 रुपीस पर 10 ग्राम के भाव गोल्ड में चल रहे हैं। आप सोचिए, गोल्ड ने पिछले 45 साल का जो रिटर्न का उनका जो रिकॉर्ड है वो इस साल तोड़ दिया है। 31 पॉइंट से ज़्यादा का रिटर्न गोल्ड में मिला, और कितना ये अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है। आप सोचिए कि आप ऑर्नामेंट लेते हैं तो आपकी बहन या बीबी भी खुश होती है, आपकी माँ खुश होती है, और सालों बाद जब आप पर कोई क्राइसिस आए तो इन नो टाइम इनको आप एनकैश करके आप अपने संकट से लड़ सकते हैं। इसलिए तो दुनिया भर के नेशन भी गोल्ड को रिजर्व करेंसी के रूप में रखते हैं। हजारों टन गोल्ड बैंक में आरक्षित रखा जाता है ताकि इमरजेंसी में
अगर कोई फंड की अरेंजमेंट करनी है या विदेशी हुंडियामण की अरेंजमेंट करनी है तो इस गोल्ड को सेल करके पैसे खड़े कर सकते हैं। और आपको अगर गोल्ड सेल नहीं करना है तो अब तो गोल्ड लोन भी बहुत ही सिंपल हो गया है, मतलब लिक्विडिटी का जो पॉइंट है वो इसका सबसे बड़ा एक लाभ है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सोने में थोड़ा इन्वेस्ट करें और सिल्वर भी देखिए पीछे नहीं है। आपको ताजुब होगा कि सिल्वर जो कि फिलहाल करीबन 1 लाख रुपीस के नज़दीक पर केजी चल रहा है, वो सिल्वर की हम बात करें तो 1982 में सिल्वर का भाव था 2,120 रुपया प्रति किलो, 1985 में 3,955 रुपीस पर किलो, 86 में 4,015 रुपीस, 87 में 4,700 के करीब, और 1992 में 8,000 पे चला गया सिल्वर का भाव पर केजी का। 1 किलो चांदी खरीदने के लिए आपके पास सिर्फ 8,000 रुपया होना ही जरूरी था। फिर 1993 में वो लुढ़का और फिर से 5,400 की टेरिटरी में आ गया, पर केजी की बात है, सिल्वर की बात है इसलिए। फिर 1994 टिल 2003 इसका दाम 8,000 रुपया प्रति किलोग्राम के आसपास रहा, 2004 और 5 में 10,675 रुपये पर केजी, 2006 में 17,000 हो गए, 10 में 27,000 रुपये पर केजी हो गया, और इसके बाद 2011 में एक बड़ी तेज़ी सिल्वर में आई, 56,600 रुपीस पर केजी के दाम हुए उसके। फिर 2014 में इसके दाम गिरे, 36,900 के दाम हो गए, कई लोगों ने पैनिक में आकर सिल्वर को निकाल दिया। 2017-2019 में उसके दाम 40,000 पहुँचे, 2020-24 से लेके उसने करीबन 48,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक की सफ़र की है सिल्वर ने। और आपको मैं बताऊं कि सिल्वर का यूज़ जो कि हम जानते थे कुछ साल पहले के फोटोग्राफी इंडस्ट्री में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी सोलार की जो पैनल्स बनती है उसमें भी इसका यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज में भी इसका यूज़ हो रहा है, और डिफेंस में भी सिल्वर का यूज़ हो रहा है। तो आप सोचिए कि इसके भाव कहाँ जाएंगे, ये भाव ऐसे हैं कि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप बल्क में खरीदें, 1 किलो ले 2 किलो ले, लेकिन एटलीस्ट 50 ग्राम्स का बार आप ले सकते हैं, 100 ग्राम का बार भी आप ले सकते हैं। और मैं एक आपको बात बताऊं कि ऐसे बार में लेबर चार्जेस बहुत लगते हैं, स्टैंपिंग चार्ज लगते हैं उस पर, जैसे मार्क जो लगा है उसका चार्जेस बहुत हेवी लगता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि रोज सिल्वर कट करा के अगर आप लेंगे तो उसमें मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा। प्योर सिल्वर जो होती है उसके जो बार्स आते हैं उसमें से कट करवा लीजिए, रिफाइनरी में जाके किसी सोनी को, अगर आपका दोस्त है तो उनको बोलो जो चांदी के ऑर्नामेंट्स बनाता है उनको बताओ कि भाई मुझे ऐसी चांदी चाहिए, तो वो सिल्वर आपको मिल जाएगी विदाउट एनी मेकिंग चार्ज और विदाउट एनी मार्किंग चार्ज। और जब बेचने जाएंगे तो उसमें जो उसका जो भाव है वो रेट टू रेट आपको मिलेगा। हाँ, व्यापारी टू व्यापारी वो अगर 100-200 रुपये पर केजी कम करते हैं, लेकिन वो
लेबर चार्जेस इसमें नहीं कटता है। और सोने में आप बेंगल्स जो है उसमें लेबर चार्ज कम कटता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। और हालांकि हम सब शेयर बाजार के जीव है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। देखिए, जियोपॉलिटिकल कंडीशन अब भी दुरुस्त नहीं हुई है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ईरान इज़राइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना ताइवान के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट गहरा होता जा रहा है। तो इस परिस्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि सिल्वर और गोल्ड के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी होती रहेगी। शायद इस दिवाली से पहले भी आप एक और बड़ा जंप ये दोनों कमोडिटीज़ में, प्रेशियस मेटल में आप देख पाएंगे। और जब दिवाली है तो हमारे भारत में एक प्रणाली है कि लोग धनतेरस के दिन सिल्वर या गोल्ड की खरीद अवश्य करते हैं अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। कोई 5 ग्राम का कॉइन लेता है तो कोई 1 किलो का बर्तन लेता है, डिपेंडिंग अपॉन हिज इकोनॉमिकल कंडीशन। गोल्ड में भी कोई 1 ग्राम लेता है सिक्का, या कोई 100 ग्राम का बार भी लेता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी यह है कि आप इनकी हैबिट करें। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अब जो हम सोना 1 रुपया भी का भी खरीद सकते हैं, आप सोचिए 1 रुपये का गोल्ड भी आप ले सकते हैं। आप पेटीएम पे जाकर देखिए, मोबीविक में जाके देखिए, गूगल पे जाके देखिए, और जार पे जाके देखिए। अगर आप चाहें तो पर डे 100 रुपीस गोल्ड के लिए आप जो जार का जो सॉफ्टवेयर आता है उसको डाउनलोड करके उसमें आप बैंक को मैंडेट दे दें तो पर डे 50 रुपीस का गोल्ड अपने आप आपके खाते में आ जाएगा। ये को मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ किसी ऐप की, आपको सिर्फ सूचित करता आया हूँ कि इससे क्या होगा कि पर डे आपका 50 रुपये का गोल्ड आएगा। अगर आपकी आर्थिक कंडीशन और ज़्यादा बेहतर है तो आप 200 या 250 का या 500 का गोल्ड भी पर डे खरीद सकते हैं। और जब आपको शेयर बाजार में मान लीजिए मुनाफा हो तो इसको भी आप गोल्ड में परचेस करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बस यही बताने के लिए कि आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर में बहुत तेज़ी आने वाली है। दिवाली से पहले ही, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक और बड़ा जंप इसमें आ सकता है, वन डे गेन। जैसे सिल्वर में 2,000-3,000 रुपया बढ़ सकता है एक ही दिन में, और गोल्ड में भी करीबन 500 से 1,000 रुपया एक ही दिन में बढ़ सकता है। तो यही बात कहने के लिए मैंने आपको ये थोड़ा सा आउट ऑफ माय सब्जेक्ट जाके, जब जस्ट आपको हिदायत देने के लिए, खास करके जो यंग सब्सक्राइबर हैं उनको, कि कृपया आप गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट करें। तो मानता हूँ कि ये वीडियो आपको शायद अच्छा लगा होगा। अब करीबन 30% लोग ऐसे हैं कि जो मेरी चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सहयोग दें। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ से तैयार किया हुआ वीडियो है। किसी कमोडिटीज़ या स्टॉक की बाय या सेल की मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। 1 रुपये आप नोट कर लें, आपको होने वाले लॉस की जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं रहेगी, वो भी 1 रुपया नोट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।